हरियाणा के मशहूर डांसर सुपरस्टार सपना चौधरी ने नाचने से किया इनकार। मामला गौशाला के कार्यक्रम का है, जहां पर सपना चौधरी को कुछ टिप्पणियां सुनने को मिली और उसी से नाराज़ होकर सपना चौधरी ने खुलेआम मंच पर कहा कि अगर मैं ये गलत काम करती हूं तो इससे पहले भी तो बहुत से डांसर महिलाएं आईं, तो क्या गलत काम उन लोगों ने किए थे जो आज मैं कर रही हूँ? अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो इससे मेरा पेट भर रहा, मैं कोई बुरा काम नहीं करती। लेकिन अगर किसी को बुरा लगता है तो क्या कोई मेरे घर आके कमाई दे सकता है अपने महीने की? लेकिन अगर कोई नहीं दे सकता तो किसी को मेरे ऊपर टिप्पणी करने का भी अधिकार नहीं है। और अगर ऐसा लगता है तो आज के बाद मैं आप लोगों के प्रोग्राम में कहीं पर भी आकर डांस नहीं करूँगी। और वहाँ पर मौजूद कुछ बच्ची डांसरों को भी उन्होंने मना किया कि बेटा आप ये देखिए, आज ये लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं, कल ये आपको कहेंगे। जो पहले वो बच्चे आते हो फिर बाद में स्टेज पे खड़े करके गालियां बकते हो कि इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। नहीं, गालियां मत बजाओ, नहीं चाहिए आज आपकी गालियां। बाद में कोई पिटता है तो गाली कौन खाता है? गाली खाती है खाली सपना, कि सपना की वजह से ये हो गया। सपना की सपना ने क्या बिगाड़ दिया? अकेली ने, अकेली सपना ही नाचती है क्या हरियाणा में? और कोई नहीं नाचता हरियाणा में? बताओ कौन नहीं नाचता हरियाणा में? मेरे आने से पहले डांस नहीं होता था हरियाणा में। बैकलेस लहंगा पहन के लड़कियां नाचा करती थी, जब आ गया था तुम्हारा संस्कार। आज मैंने सूट में पहन के नाच रही हूँ, मैं संस्कार देखूं आज मैं छोड़ दूंगी, मैं नाच गाना सब छोड़ दूंगी। एक आदमी उसके ये बोल दो मेरे घर में अपनी कमाई लेके चला जाएगा, बोलो कौन लेके जाएगा मेरे घर में कमाई? फिर स्टेज पे आऊं तो फिर मैं गाली खाऊंगी। शाबाश, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आप लोगों का। मेरी गलती बस ये है कि मैं नाची, मैं गाई, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, जैसा मेरे से बन पाया मैंने किया। और आज इस छोरी तक नहीं हुई कहूँ कि बेटा खा ला तू भी गाली खाओगी, मत ना नाचे। बस आज वही बात, बस ना मैं कुछ नहीं कहूंगी, मेरे पास की नहीं है। आज मेरा दिल तोड़ दिया, आज के बाद मैं प्रोग्राम भी नहीं करूंगी, गौशाला का बिल्कुल नहीं करूंगी। आपको जितना दान चाहिए ना मेरे घर आके ले लेना, पर मेरे पास मत आना कभी भी प्रोग्राम के लिए, बस। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। रो पड़िया था। अगर फिर भी मेरे तक कोई गलती रहेगी ना थारी के साथ, मैंने कुछ भी गलत करा हो तो हाथ जोड़ के आज मैं थारे पैर पकड़ने तैयार हूँ, मैं माफी मांगू सारे सारे।